प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 17वें जन्म दिवस के अवसर पर हमीरपुर भाजियों ने रक्तदान शिविर का आयोजन किया। इस अवसर पर टाउन हॉल में आयोजित रक्तदान शिविर के दौरान 100 यूनिट रक्तदान का लक्ष्य रखा गया, जिसमें युवा मोर्चा के पदाधिकारियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। रक्तदान शिविर के दौरान जिला भाजपा अध्यक्ष एवं पूर्व विधायक बलदेव शर्मा, एचआरटीसी निगम के प्रदेश उपाध्यक्ष विजय अग्निहोत्री, एपीएमसी चेयरमैन अजय शर्मा भी मौजूद रहे। जिला भाजपा अध्यक्ष बलदेव शर्मा ने कहा कि देश के प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के अवसर पर युवा मोर्चा ने रक्तदान शिविर का आयोजन किया है। उन्होंने बताया कि आज के दिन से सेवा सप्ताह के तौर पर कार्यक्रम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मोदी ने पूरे विश्व में अलग पहचान बनाई है और विकास के मसीहा के नाम से जाने जाते हैं। उन्होंने कामना की है कि तीसरी बार फिर से देश के पीएम मोदी बने। आज हमारे देश के प्रधान सेवक आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का जन्मदिन है। देशवासियों को जन्मदिन की सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और आज का जो कार्यक्रम है पूरा देश के अंदर सेवा सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है। उसी तरह जिला भारतीय जनता पार्टी और युवा मोर्चा जो है ये रक्तदान देकर सेवा सप्ताह के रूप में मना रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमारे देश का नाम जो पूरे विश्व में एक पहचान बनाई है और एक विकास के मसीहा के रूप में जाने जाते हैं मोदी जी। आज 6 साल प्रधानमंत्री बने मोदी जी को हुआ है और उन्होंने पूरे देश के लिए तरक्की के लिए बहुत ज़्यादा काम किया है। हमारी भगवान से प्रार्थना है कि उनकी सेहत ठीक रहे और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारी उम्र भी उनको लग जाए ताकि तीसरी बार फिर प्रधानमंत्री मोदी जी बने और देश की इसी तरह ही प्रधान सेवक के रूप में काम करते रहें। मैं जिला युवा मोर्चा के सभी साथियों का जिन्होंने रक्तदान दिया है उनको धन्यवाद भी करता हूँ और बधाई भी देता हूँ कि अच्छा काम किया है। और ये कार्यक्रम पूरे 5 मंडलों में पूरा सप्ताह में चलेगा। वो अपने तरीके से मंडल वाइज करेंगे सभी लीडर। आज हमारे बीच में विजय अग्निहोत्री जी, हमारे चेयरमैन पूर्व विधायक बटसर नदौन और चेयरमैन हमारे अजय शर्मा जी, सुहारू जी जिले के दोनों महामंत्री और इंटू जी हमारे जो युवा मोर्चा के जो हमारे जिला के अध्यक्ष हैं। इन बच्चों ने जो अच्छा आयोजन यहाँ किया है इनका मैं विशेष करके मैं धन्यवाद भी करना चाहता हूँ। और आने वाले समय में पूरे सप्ताह में हम इस तरह कार्यक्रम हर मंडल में करेंगे। कांग्रेस के बॉर्डर को खोलने पर की जा रही बयानबाजी पर बलदेव शर्मा ने कहा कि हिमाचल के बॉर्डर्स को खोलने के लिए सरकार के सर्वे और मंत्रियों की राय के बाद ही खोले गए हैं ताकि टूरिज्म भी बढ़े। उन्होंने कहा कि कोरोना बीमारी से ही जीना पड़ेगा, लेकिन कांग्रेस फिजूल की बयानबाजी में लगी हुई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास न तो कोई नेता है और न ही कोई नीति है, इसलिए उल्टे सीधे बयान देते रहते हैं। बॉर्डर खोलने से लोगों की मांग थी। हिमाचल ऐसा राज्य था जिसने अपने बॉर्डर जो नहीं खोले और मुख्यमंत्री ने अच्छे प्रदर्शन किए हैं। ये ज़्यादा इसको जो COVID-19 जो महामारी फैल रही है उससे बचा जाए तो ये खोलना क्या था कि हमारे जो हिमाचल के लोग कहीं बाहर रहते थे, बिना पास ही आ नहीं सकते थे। सरकार ने सर्वे कराया और सारे मंत्रियों से सबसे राय लेके ही मुख्यमंत्री ने फैसला लिया है। तो जनता के हित में 90% लोग चाहते हैं कि बॉर्डर खोलना चाहिए ताकि टूरिज्म भी बढ़ावा मिले। अब सारा कुछ अब इस बीमारी से ऐसे ही लड़ना पड़ेगा, कहते बीमारी चलिए सबको लड़ना पड़ेगा, क्योंकि दूरी भी बना के रखनी पड़नी है, फेस कवर भी हमें लगाना है, हाथ भी धोना है, परिवार को भी बचाना है, दोस्तों को भी बचाना है, गांव को भी बचाना है, सब लोगों को बचाना है। सबका से आए दिन कुछ ना कुछ बातें, उनके पास मुद्दा कोई है नहीं, ना कोई नेता है, ना कोई नीति है, ना कोई कार्यक्रम है, ना कोई योजना है, उल्टे सीधे बयान लेते करते रहते हैं। ये काम उनका है, बाकी तो कुछ है नहीं।